देखिए उसको इलाज ढंग से नहीं हुआ, इलाज ढंग से होता तो बच्चा नहीं गड़बड़ाता, बच जाता बच्चा, लेकिन इलाज भी ढंग से यहाँ नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर लोग भी भर्ती लेवे नहीं किया, डॉक्टर अगर भर्ती ले लेता तो हमारा बच्चा बच जाता, वो इतना बुरा स्थिति में नहीं था। तो वैसे बहुत बहुत स्थिति खराब वाला बच्चा सब अभी बच के आ रहा है, हमारा बच्चा माने हुआ हम लेके भागे, भागते भागते में हमको माने बच्चा सब गड़बड़ा गया, बच्चा नहीं, अगर अगर ढंग से उसको इलाज होता तो बच्चा गड़बड़ाता नहीं, सब बच्चा बच जाता। हमारा उतना स्थिति खराब नहीं था हमारा बच्चा के, लेकिन कोई यहाँ इलाज बात नहीं हुआ तो कहाँ से बचेगा। आपके दो बच्चों के अलावा इस गांव में और कितने बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया? यहाँ बच्चा सारे बच्चा 14 यहाँ जैसे हरबंशपुर पंचायत में 14 बच्चा दम तोड़े हैं, आ पूरे वैशाली अथी में 20 बच्चे हैं। यानी इतने अगल बगल के एरिया में हरबंशपुर है, जैसे कैलीटार हुआ, बरारूफ हुआ, खिरखुआ हुआ, इस सब में मिला के 20 बच्चे दम तोड़े हैं। यहाँ एक गांव में 14 बच्चा दम तोड़ दिए, आ कम से कम 20 बच्चे के तबीयत अभी भी खराब है। यहाँ कोई मांग नहीं है ना विरोध है, आ यहाँ विरोध भी किया जाता है तो यहाँ सरकार बोलते हैं से सब माओवादी है, नस्लाइट है, अगर हम लोग इस अति पर विरोध भी करते हैं तो माओवादी नस्लाइट सरकार बना देते हैं। मांग तो हर साल है, हर साल ये चीज़ होता है, हर साल हम लोग खोजते हैं, लेकिन इस चीज़ पर सरकार को कोई अथी नहीं, सोझे हुए प्लान में कहते हैं माओवादी है, पुलिस बैठा करके इन्ने हकबाओ उन्ने हकबाओ, यही सब तो होता है, कहाँ यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। मांग तो अभी देखिए, अभी पानी की स्थिति इतना खराब है, पानी बिना बच्चा लोग माल जाल माल बकरी जितना सब मर रहा है, पानी के कितना स्थिति खराब है, पानी बाहर बच्चा लोग नहाता नहीं है, पानी के व्यवस्था नहीं है, पानी भी आता है तो साला अभी चला करके रखिए, थोड़ा देर के बाद रखिएगा पीला पानी हो जाता है, पानी पीजिएगा तो तनको पानी में कोई स्वाद नहीं है। लीची तो देखिए, लीची तो सारे बच्चे खाया है, यहाँ पर जितना बच्चा है, जितना ये हरबंशपुर पंचायत में जितना आदमी है, सियान से बच्चे तक लेकर के सारे बच्चे आ सारे सियान लीची खाया, तो सारे आदमी को मरना चाहिए, एक बार नहीं, एक बार क्यों नहीं मरा, सब एक एक करके मर रहा है, तो सारे बच्चों को मरना चाहिए, सारे सियान को मरना चाहिए, तो दू गो घर में मरता है, एगो घर में मरता है, ऐसे करके काहे मरता है, जब लीची के जब बीमारी है तो लीची से सब लोग के मरना चाहिए, लेकिन मरता सब लोग के नहीं है, एक आध दो आदमी के मरा है, गांव पीछे दो गो चार गो पाँच गो आदमी हर से मर रहा है, लीची के अगर बीमारी रहता सारे बच्चे एक गुल मर जाते। दवा दारू होने लगा जो करना था डॉक्टर लोग के से किए करके, उसके बाद हमारा लड़का वो 3 बजे भोर में वो डेट कर गया, 3 बजे डेट किया, उसके बाद डॉक्टर बोला सर तो बच्चा आपको डेट कर गया, सब अपना बच्चा के ले जाइए, नाम उम काट दिए डॉक्टर साहब, और उसके बाद एगो एम्बुलेंस दिए लेके हम आए, आए से वो हमारा पत्नी हमारा बच्चा छोटा वाला था वो साथ में था, तो वो भी रास्ता में जब वहाँ से आए बस आते आते वो भी दूर जैसे लाश दूरा पर रखे, और उसका देख रहे हैं से उसका भी दांत बैठ गया, उसका वो भी चमकी उमकी के दूसरे तरह करने लगा, बस लाश दरवाजे पर छोड़ के हम फिर उसको लेके हम दोनों आदमी दो चार आदमी गांव टोला मोहल्ला के लोग लेकर के फिर उसको भागे लालगंज, लालगंज गए, लालगंज उस दिन बंदी था पूरा हॉस्पिटल, एक को हॉस्पिटल नहीं खुला था, बंदी था, फिर लेके उसको गए हम सदर में जाने के बाद सदर वाला भी रेफर कर दिया, कहाँ से बच्चा की स्थिति ठीक नहीं बचेगा, से बच्चा लेकर आप PMC जाइए, PMC में गए, वहाँ गए तो भर्ती कराए, भर्ती कराने के बाद वहाँ कोई इलाज बारी नहीं था, जो इलाज बारी होता था से हम अपना पैसा से बाहर से दवा दारू लेके देते थे, वहाँ एगो बेड मिला, आगे एक घंटा चाहे 2 घंटा पर एक आध दू गो मरी जाता था, वही अपना अति डॉक्टर आते थे वही अपना दवा दारू छोड़ देते थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद हम दवा उवा किन करके देते थे बाहर से, उसके बाद वो भी बच्चा हमको 12 बजे 12:30 बजे रात के वो भी डेट कर गया, फिर वहाँ से हम कहे से तब डॉक्टर बोले सब बच्चा डेट कर गया, इसको ले जाओ हटाओ यहाँ से, तो हम कहे से तो ठीक है हम तो ले जाबे करेंगे, लेकिन इसका सुविधा कुछ दीजिए ले जाने के लिए, तो यहाँ बोलूँ कोई सुविधा नहीं है ले जाने के लिए, जितना बोलूँ बच्चा डिलीवरी पेशेंट है उसी के लिए व्यवस्था है अथी के
एम्बुलेंस के यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से हम क्या करें, अब प्राइवेट है एम्बुलेंस कर ले करके भाड़ा पर 2200 रुपया लगा और यहाँ फिर 12 बजे रात में वहाँ से लिया, यहाँ 2 बजे 2:30 बजे पहुँचे यहाँ ले करके। हमारा बच्चा जैसे सुबह में सूत उठ के खेल कूद कर रहा था, खेल कूद करके उसके बाद 10-11 बजे के टाइम था, नहाया खाया और खाने के बाद वो एगो उसको क्या ना क्या हुआ से उसको एगो उल्टी किया, उल्टी करने के बाद वो बिछा करके सो गया घर में। घर में सोने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारा लड़की आया बड़ी वाली, वो बोली से देखो पापा ऐसा ऐसा बात है से बउआ के तबीयत खराब है। हम आए देखे तो उसको दांत बैठा हुआ था आ दांत ही लग रहा था, दूसरे ढंग के कर रहा था। हम हल्दी का गाड़ी मंगवाया के लेकर के हम चल गए लालगंज हॉस्पिटल में, नरेश बाबू में, वहाँ से पुर्जा कटवा के डॉक्टर साहब के यहाँ गए देखे, डॉक्टर साहब रेफर कर दिए कहा जल्दी इसको लेकर भागिए हाजीपुर सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी पुर्जा कटाए, थोड़ा देर के लिए भर्ती लिए। भर्ती लेने के बाद वो कहे से देखिए आपको बच्चा बहुत सीरियस में है, बच्चा ही बचेगा नहीं, इसे इसको लेकर के आप भागिए पीएमसीएच। हम ना जा करके हम देखे से पीएमसीएच में इलाज इसका नहीं होता है, ऐसे हम लेके जाते हैं मुजफ्फरपुर केदलीवाल में भर्ती कराते हैं। पहले तो गए मुजफ्फरपुर गए तो हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-4 गो में अथी करे कोई भर्ती नहीं लिया, उसके बाद ले गए केदलीवाल में भर्ती लिया। वो थोड़ा देर इलाज किया उसके बाद वो रेफर कर दिया। वो बोले से मेडिकल में भर्ती कराने के बाद दवा दारू होने लगा जो करना था डॉक्टर लोग के से किए करके। उसके बाद हमारा लड़का वो 3 बजे भोर में वो डेट कर गया, 3 बजे डेट किया। उसके बाद अब डॉक्टर बोला सब तो बच्चा आपको डेट कर गया सब, अपना बच्चा के ले जाइए। नाम उम काट दिए डॉक्टर साहब, उसके बाद एगो एम्बुलेंस दिए लेके हम आए से। वो हमारा पत्नी हमारा बच्चा छोटा वाला था वो साथ में था, तो वो भी रास्ता में जब वहाँ से आए बस आते आते वो भी दूर जैसे लाश दूरा पर रखे और उसका देख रहे हैं से उसका भी दांत बैठ गया, उसका वो भी चमकी उमकी के दूसरे तरह करने लगा। बस लाश दरवाजे पर छोड़ के हम फिर उसको लेके हम दोनों आदमी 2-4 आदमी गांव टोला मोहल्ला के लोग लेकर के फिर उसको भागे लालगंज। गांव का माहौल बहुत खराब है सर, बच्चा के बुखार आता है, बच्चा के लेके लोग भागते हैं, फिर बच्चा मर जाता है, कोनो बच जाता है एसीसी में, कभी केदली बाग में जाता है, फिर घर आपस आता है, फिर घर पर फिर बुखार हो जाता है। फिर बुखार होने के बाद हम भी अपना बच्चा को यहाँ पर दिखलाएँ, 4 सुइया दवाई हुआ नहीं अच्छा हुआ, फिर सुबह में 6 बजे लेके गए और फिर सुबह में गए एसी में रख दिए, सुई दवाई जो हुआ से किए, फिर सुबह 6 बजे आए, फिर यहाँ पर बुखार हो गया। फिर बुखार होने के अलावा फिर दवाई सुइया वहीं के खिला रहे हैं, घोल फिरा रहे हैं, फिर माने छोड़ने के बाद देह गर्म हो गया है। यही बच्ची है, इनको भी ले गए हैं वहीं पर के दवाई सुइया हुआ है, बाकी फिर आने के बाद फिर बुखार है, फिर बुखार के बाद अभी फिर सुई दवाई करवा के ला रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा से हमको मालूम नहीं कि अच्छा होगा कि नहीं होगा से मालूम नहीं, बुखार के कोई गारंटी नहीं है, अच्छा हो जाता है फिर बुखार चल जाता है। तो उस लिए हम भी लोग डरे हुए हैं, हर माँ डरा हुआ है, कितना भाग गया गांव छोड़ के, कितना गांव में इलाज चल रहा है, कि कोई अस्पताल में है, कोई घर पर है, कहीं 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 जाकर इलाज कर रहा है, बाकी इलाज से बुखार सही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करें से आप लोग ना बताइए। गांव के अस्पताल है कि ये हैं, जाते हैं एसी में रख देते हैं और ये दवाई सुइया जो होता है सो दे देते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चा ठीक है ले जाइए, ले आके यहाँ पर आते हैं, फिर ऐसा ही बुखार हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर लेकर जाते हैं और फिर आते हैं, फिर वैसा ही तरीका है। इसलिए क्या किया जाए आप लोग बताइए, बच्चा तो यहाँ पर मरिए गया, अगल बगल से लेकर 14-15 बच्चा, इस गाँव में 6 बच्चा, अभी भी स्थिति बहुत गंभीर है, बच्चा सही नहीं है, घर एक घर छूटा नहीं।
करेंगे।